हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ नया लाई हूँ। मैंने देखा है लॉकडाउन में काफ़ी बच्चे बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों की हेल्प के लिए मैंने एक गुलमोहर जो बुक है हिंदी व्याकरण की, उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर सभी किताबों में चैप्टर 1 सेम ही होता है, भाषा और व्याकरण। इसे देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो पहले कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं व्याकरण का पहला चैप्टर। व्याकरण का पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। ये सभी अक्सर सभी किताबों में आपको यही मिलेगा, इसमें आपको भाषा के बारे में ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले यही बताया जाएगा कि भाषा क्या है, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझता है। और भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। और लिखित का महत्व क्या है, लिखित एक स्थायी रूप है और मौखिक स्थायी नहीं होता। सेकेंड पेज में आपको भारतीय भाषाओं के बारे में बताया है कि संविधान में इसे 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। फिर लिपि के बारे में बताया है कि प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए हैं, इन्हीं को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा जो भारत की राष्ट्रभाषा भी बन गई है, राज्यभाषा का इसको दर्जा मिला था। और अंडोमान निकोबार की राजभाषा भी हिंदी ही है। अगला है उपभाषा क्या है, भाषा का छोटा रूप है। बोली क्या है, भाषा का क्षेत्रीय रूप है। फिर 5 उपबोलियों के जो भाग हैं उसके बारे में भी बताया गया है। उसके बाद आपको एक टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण क्या सिखाता है, हमें भाषा को शुद्ध और अशुद्ध रूप की पहचान करा देता है। इसके अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। इसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं आपके सामने, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो आपने हम अपनी बात दूसरों तक किसके द्वारा पहुंचाते हैं, भाषा के माध्यम से। सही गलत भी हैं मैंने आंसर भर दिए हैं, लिपियां भी पूछी हैं मैंने बता दिया है, रिक्त स्थान भी आपको भर के दिए। अंडोमान निकोबार की राजभाषा तो हिंदी है, कुछ लोग अंग्रेजी लिख रहे हैं लेकिन राइट आंसर हिंदी ही है बच्चों, मैंने इसलिए दोनों लिखा है लेकिन हिंदी ही है। अगला है सही MCQ जो आपके सामने भरे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो निराश ना हो, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है इसका सहारा लेके आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं।